है, उसके नहीं थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं थी उन्हें। उन मामलों में भी भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे, भाजपा के एक कार्यकर्ता, तीनों मामलों में वे इन्वॉल्व थे। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां जहां से रिपोर्ट आई, वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते।